नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ भावना जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं, जानते हैं इनसे बातचीत करके इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार भावना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। भावना जी, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानते हैं? जी मैं 12 साल से जुड़ी हुई हूँ डेरा संस्था। मेरा पूरा परिवार, जो 7 भाई हैं हम लोग, तो वो पूरा परिवार ही बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। 25 मेंबर भी हैं मेरे ताई जी, ग्रेनेस मेंबर भी हैं मेरे घर में, भाई हैं, बहन भी हैं, सारे ग्रेनेस मेंबर भी हैं। मैम, आप कैसा महसूस करते हो बीइंग गर्ल, मतलब लेडीज़ को लेकर कैसा माहौल है आश्रम में? बहुत अच्छा माहौल है, एक सेफ्टी की तरह, कैसे हमें एक दूसरे को बहने समझना, एक दूसरे से प्यार बढ़ा कर रखना, ये सब चीज़ें हमें डेरे में ही सिखाई जाती हैं कि एक दूसरे से हम कैसे ना कैसे आगे बढ़ते रहे और उनके साथ मेल जोल रखें। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है? बहुत एक एज अ फ्रेंडली, अगर बच्चों के साथ है तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रहना, जहाँ पर बिल्कुल स्टिकनेस के लिए चाहिए वो चीज़ भी है कि बड़ों की तरह उनको अपना आशीर्वाद भी देना, ज्ञान देना, हर एक चीज़ के बारे में बताना। मैम, मतलब आप लोगों के साथ कैसा वे ऑफ ट्रीट है उनका, मतलब कैसा आपके पास ट्रीट कैसा? जैसे हम अपनी कोई मुसीबत होती है तो सबसे पहले हम किसको बताते हैं, अपने माँ और पापा को बताते हैं। तो इसी तरह से हम जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई चीज़ है तो हम अपने डेरे में आते हैं और वहाँ आके हमें इतना सुकून मिलता है कि सब उन चीज़ों का हल हो जाता है वहीं पर आके, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत। संची का करेक्टर कैसा है? बहुत ही एक सीधा संसा, बहुत अच्छा करेक्टर है उनका कि बिल्कुल सिंपल सोबर, अपना हर एक चीज़ को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना माहौल की सब तरह। आज की जनरेशन को क्या है कि जो नए नए माहौल की तरफ चल रहे हैं वो लोग, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग खुद को वो उस तरीके से ढाल लेते हैं। मैम, संची के ऊपर जो दूसरी तरफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सबके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज तक जो भी उनके और वो बिल्कुल एकदम गलत लगाए गए हैं, जो कि आज तक उनको सबूत नहीं मिल पाया उन चीज़ों के, लेकिन किसी के पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिनके ऊपर कि वो लगा सके ऐसी कोई चीज़ को सबूत को। सच क्या है, संत जी ने क्या किया है लोगों के लिए, समाज के लिए? देखिए जी, सच तो खुद खुदा, वो खुद रहबर है, उनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ है हम उनके आगे, तो वही सब कुछ जानते हैं, जो वो बहुत जल्दी अब वापस भी आने वाले हैं। ज़रूरत है उनकी समाज? हाँ जी, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है उनकी? इस समाज के कल्याण के लिए उन, जब से वो यहाँ से गए हैं, सिरसा डेरे से गए हैं, तब से उस टाइम कभी कोविड है, कभी को किसी चीज़ के, कभी काम बंद हो रहे हैं, लोग एक खुशी से जी नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वो, जिस दिन वो वापस आ गए तो खूब धूम रौनक बचेगी शहर में। समाज कल्याण के लिए संत जी ने क्या योगदान दिया है? बहुत सारे, उन्होंने 108 मानवता भलाई के कार्य भी स्टार्ट किए हुए हैं, जैसे कि सफाई अभियान चलाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जैसे कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, ये बहुत सारे उन्होंने काम ऐसे चलाए हैं जिससे हम लोग उन चीज़ों पर, जो इस पर रोक लगानी चाहिए उसको हम रोक लगा सकते हैं। और जैसे पौधारोपण वगैरह करना, उनमें भी बहुत सारी साथ संगत आगे से बढ़ चढ़ कर साथ दे रही है जो सबका। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? मैं संत जी के लिए ये अपील करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि वो जल्दी जल्दी हम सबके बीच वापस आ जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जनता की अपील मांग के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा समाज में वापस आए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए सच्ची बात के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।